आप लेके आइए, आज मैं शुरुआत करूंगा एक स्टॉक से पारी, भले 3% ऊपर है, बट इट्स हैवल्स, जो एक बहुत ही बड़े वाइल्ड ब्रेकआउट की तैयारी करता है। मेरे स्क्रीन पे प्राइस आएगा, इट्स 1465.70। स्क्रीन पे कैश का प्राइस रखिएगा, याद रखिएगा ये 28 अक्टूबर 2021 से लेके अब तक की पूरी प्राइस चैनल, जो कि अगर आप फ्लैग को कंसिडर करें तो 27 मई 2020 से अब तक का है, तो एक बड़ा चैनल ब्रेकआउट यहाँ पर है। इस पर नज़र रखेंगे 1465 पे। मैं अपने रोलिंग का प्राइस बता रहा हूँ, कैश में 1463 है। बड़े बड़े अगर आप देखें जो चेंजेस हो रहे हैं, क्रॉम्पटन कंज्यूमर नो, छोड़ते हैं इसको यहाँ पर। HDFC AMC कल हमने क्लोजिंग में बात की थी, प्रकाश सर का ट्रेड लिया था यहाँ पर, इज एट ऑल टाइम हाई। इस तेजी को हमने बखूबी खेला है, ऑल टाइम हाई फॉर HDFC AMC। कल हमारा डेडिकेटेड डिस्कशन हुआ था आखिरी के आधे घंटे में इस स्टॉक पे। उसके बाद आप लेके आइएगा एस्ट्रल, ये लास्ट वीक का मतलब एक स्ट्रॉन्ग ट्रेड पिक किया था हमने, ऑल टाइम हाई ये हो गया। कैनरा बैंक न्यूज फ्लो का इम्पैक्ट देखिए कैसा है, इट्स डूइंग वेल, ठीक ठाक है। सिमेंस कैपिटल गुड स्पेस में 4604 पे ऑल टाइम हाई, यहाँ पर स्ट्रेंथ यहाँ पर है। और दीपक नाइट्राइट को लेके आइएगा, यहाँ भी एक छोटा सा पुलबैक है। दीपक अब इस वक्त अपने सारे एवरेजेस के ऊपर ट्रेड करता हुआ, दैट्स क्रिटिकल। और उसके बाद एक बार लेके आइए आप गोदरेज प्रॉपर्टीज़ अब जिस ट्रेड चैनल में आ चुका है या फिर प्राइस जोन में आ चुका है, वो जाके मैच कर चुका है अक्टूबर 2021 पोस्ट कोविड जो स्विंग आया था, जिसमें इसने ऑल टाइम हाई क्रिएट किया था, उसके बेहद नज़दीक खड़ा है। बाकी बैकफुट पे डिक्सन और एक्सिस बैंक, आज OMCs में फिर एक बार प्रॉफिट बुकिंग का मोड है। IOC BPCL HPCL बैकफुट पैकेट ट्रेड करता हुआ, लेकिन आज एज ऑफ नाउ ये देखिए हैवल्स बात करते करते 1474। अनुज कुलबीरू और हैवल्स के चलने का मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। आज एक बड़ी ब्रोकरेज रिपोर्ट की अपग्रेड आई है गोल्डमैन सैक्स की, उन्होंने अपग्रेड किया है, टारगेट प्राइस दिया है 1660 का, और इसके लिए ये आपको हैवल्स में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला और 1475 पर ये स्टॉक इस समय, तो ये एक रीज़न है। उनका मानना यह है कि कंपनी वेल प्लेस्ड है ग्रोथ रिवाइवल के लिए, मार्केट लीडरशिप के लिए, और डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ टीन्स में मतलब पॉसिबल है Q4 के ऑनवर्ड। दो क्वार्टर्स इनके सिंगल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ हो रही है 6-7%, अब इनका मानना है कि डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ पॉसिबल है, इसके लिए यहाँ पर मोमेंटम है। तो आज के स्टॉक्स ऑफ द डे में क्लियरली हैवल्स और ICICI लॉम्बार्ड ये शामिल हैं। चलिए अब ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं, हमारा पैनल तैयार है पूरी तरह से। गुड मॉर्निंग गाबा सर, आपका क्विक सिंगल। गुड मॉर्निंग, क्विक सिंगल है इन्फो एज, यस 5312 पे ट्रेड कर रहा है, 12 रुपए का स्टॉप लॉस है जी, 5300 का अपसाइड जो टारगेट है इन्फो एज के 5400 के नजर आते हैं। आज आईटी अच्छा लग रहा है इन्फो एज। ओके, आज आईटी अच्छा लगता है गाबा सर की पिक इन्फो एज। शिवांगी जुड़ी हमारे साथ, शिवांगी गुड मॉर्निंग, शिवांगी आपने क्या पिक किया? जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग, मैंने आज पिक किया है जेके टायर। बड़े ही लंबे कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक जो है अब आज अच्छे बाइंग इंटरेस्ट की तरफ दिखा रहा है, RSI टर्न होते हुए दिख रहा है। हमने देखा है कि पिछले 8 दिनों से कम्प्लीटली एक रेंज में कामकाज कर रहा था और एक बहुत ही छोटे रेंज में इसका एक हाई इसने अच्छी तरह से निकाला है, आज का एक अच्छा प्राइस सेटअप भी बनते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे 550 के टारगेट्स एक्सपेक्टेड है 520 के एक स्टॉप के साथ। जेके टायर, आई मीन 530-550 पे ये प्राइस क्या कर रहा है? ओके, ये अपनी ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी को फिर चेस करने की कोशिश करता हुआ, जो कि इसने फर्स्ट वीक में लगाया था, वो था करीब 545 का। ओके, मानस आपका ट्रेड? वीरेन जी, ICICI पूर लाइफ पे ध्यान है, यहाँ पर 200 डे मूविंग एवरेज के अराउंड कंसोलिडेशन देखने को मिला था, लेकिन आज के मूव तो डेफिनेटली एक ब्रेकआउट मूव है। करंट लेवल्स पे आप खरीदारी कर सकते हैं ICICI पूर लाइफ में, स्टॉप लॉसेस 524 के रहेंगे और आपके जो टारगेट है वो 544 के आसपास के रह सकते हैं। अगर इसमें आप ऑप्शन में ट्रेड करना चाहें तो मार्च मंथ के ऑप्शन पे आपको ध्यान देना है, 530 वाला कॉल ऑप्शन ICICI प्रो का माफ करिएगा, वहां पर लिक्विडिटी नहीं है तो वो स्किप करेंगे, लेकिन आप कैश में एक कॉल ले सकते हैं ICICI प्रो 530 पे। आपकी ये कैश कॉल हो गई है 530 पर। आशीष बहती जी आपका ट्रेड? गुड मॉर्निंग वीरेन जी, जेके सीमेंट पे खरीदारी की सलाह रहेगी, 1 फरवरी को हाई बनाया था इसने और एक फिर उसके बाद गिरावट देखने मिली, तो एक परफेक्ट राउंडिंग बॉटम बना के स्टॉक वापस उन लेवल्स को अप्रोच कर रहा है और एक फ्रेश ब्रेकआउट यहां से देखने मिल सकता है। 4390 4390 का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी।
जो टारगेट्स इसमें हैं 4520 और 4570 तक के टारगेट्स के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। ओके रचना जी, आपने क्या पिक किया ट्रेड? जी मेरी तरफ से जो स्टॉक जिसमें मैं देना चाहूंगी दैट इज LTIM। LTIM में काफी स्ट्रॉन्ग ओपनिंग हुई है और यहाँ पे 200 पीरियड एवरेज के बहुत नजदीक से मूवमेंट शुरू हुई है, तो यहाँ पे एक चांसेस है। ITS सेक्टर इज आल्सो डूइंग वेल, तो इसको अगर हम लॉन्ग करेंगे फ्यूचर्स पे ऐसे लगाएंगे 5470 पे, तो ऊपर वाली साइड पे हमारा टारगेट हो सकता है 5515। ओके अच्छा ये समय हो गया LTIM माइंडट्री में दो तीन स्टॉक्स देख रहा था, एक बार क्रॉम्पटन लेकर आइए वापस। क्रॉम्पटन अब डे हाई पर करीब करीब 3% ऊपर, इंट्राडे लेकर आइएगा क्रॉम्पटन का एक बार जरा चार्ट आपकी स्क्रीन पर। और एक दूसरा स्टॉक जो मेरे रेडार पर आया SRF, जो हमने सुबह स्पॉटलाइट में डिस्कस किया था, वो भी अब कोशिश कर रहा है डे हाई पर आने की। दोनों स्टॉक्स में इस समय आपको शार्प मूव देखेंगे इंट्राडे में। राजेश जी आपने क्या पिक किया? अनुज जी देखिए मेरी नज़र है IEX पे, अगर आप IEX चार्ट देखें तो एक रेंज ब्रेकआउट है, इनफैक्ट दो दिन उसने प्रयास किया लेकिन फेल हुआ। आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि पिछले दो दिनों का हाई इसने निकाला है मॉर्निंग में, तो एक छोटा ट्रेड बनता है यहाँ पे जिसका टारगेट है 155 का, एट लेवल ऑफ 148 इसे बाय, स्टॉप लॉस होगा 146 का बाय IEX। बाय IEX। गौरांग जी आपके रेडार पर कोई स्टॉक आया? कंज्यूमर FMCG क्षेत्र से एक कंपनी है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, कल भी थोड़े बहुत हरकत में था ये ऊपर के तरफ, और बुनियादी तर्क के आधार पर हमें लग रहा है अनुज के ये जो थोड़ा बहुत दबाव हमने तीसरे तिमाही में देखा था वो इसका कारण ये था कि पिछले साल जो मेघराज का आशीर्वाद था वो थोड़ा तकलीफदायक था, कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम, कहीं पर अनुमान से ज्यादा, लेकिन आने वाले तिमाहियों में हमें लग रहा है कि FMCG कंपनी के नतीजे अच्छी तरीके से सुधरेंगे। 1250-1300 तक के लक्षांक टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के। ओके टाटा कंज्यूमर करीब 1180 पे आपका ये व्यू है। अच्छा और क्या क्या अच्छा कर रहा है आपकी स्क्रीन पे? निफ्टी एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक दे रहा है, मैंने देखिए वो 22,090 22,080-85 की ट्रैजेक्ट्री से एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक, मतलब फ्रेंकली स्पीकिंग 40 पॉइंट्स का पुलबैक हो चुका है। बैंक निफ्टी एक वॉल क्रिएट करने की कोशिश करता हुआ 46,500 पे। कुछ स्टॉक्स को मार्क करते हैं जो अब तक नहीं लिए गए इस कार्यक्रम में, और एक बार आप लेके आइएगा मेरे स्क्रीन पे बार बार नेक्स्ट मंथ के ऑप्शन किसी स्टॉक के अपीयर हो रहे हैं, तो आई थिंक इट्स ट्रेंट। अनुज एक बार ट्रेंट थोड़ा बहुत सुस्ती के बाद थोड़ा सा आराम लेने के बाद टेंडेमा से देखिए क्या शूट अप करता हुआ है। ये स्टॉक ऑफ आई थिंक फेव है एज ऑफ नाउ, एक बार फिर से आई थिंक कूल ऑफ के बाद अनुज स्ट्रेंथ पकड़ता हुआ ये है ना? हाँ ये होगा इसमें ऐसा, लेकिन काफ़ी चल चुका है और काफ़ी महंगा है, तो हो सकता है थोड़ा कंसोलिडेशन दिखा दे बिलू। लेकिन ये सब देखिए कंपनियाँ जब इतने अच्छे नंबर्स लेकर आती हैं तो बहुत जल्दी उनकी रैली फिजल आउट होती नहीं है, तो इसके लिए और भले ही लोग जो मर्जी कहें कि कंपेयर कर लीजिए आप ABFRL को और ट्रेंड को, भाई नंबर जहाँ आ रहे हैं ना स्टॉक वो चलेगा, जब ABFRL के नंबर आने शुरू हो जाएंगे तब ABFRL चलेगा। बहुत सिंपल व्यू है मेरा तो इस समय। आप ये वो वाली मार्केट नहीं है जिसमें आप एक लीप ऑफ फेथ लेके कि नंबर कभी आएंगे, अभी तो वैल्यूएशन वाइज अट्रैक्टिव हो गया, ठीक है जब नंबर आएंगे महंगा ले लेंगे लेकिन नंबर आने दीजिए पहले, ये मेरा एक व्यू है। और आई थिंक यही एक मार्केट में व्यू होना चाहिए कि आप मोमेंटम के साथ रहें और स्ट्रेंथ के साथ रहें। बिल्कुल स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पे, मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा था क्योंकि ये बहुत एग्रेसिव हो गया था 7 फरवरी के बाद अर्निंग्स के बाद, लेकिन कूलिंग ऑफ हुई 4-5 दिन टेंडेमा के आसपास, फिर स्ट्रॉन्ग हो गया। हेवल्स फिर रिहाई के ट्रेजेक्ट्री में आता हुआ। प्रकाश सर आपके आशीर्वाद स्वरूप HDFC AMC अगर आप देखें चल रहा है, मैंने हमेशा आपसे ही कॉल लिया, कल भी क्लोजिंग में आपसे बात की थी 4009 सर, कल जो टिप्पणी की थी आपने वो पूरी हो गई, अभी कैरी करें इसे कोई दिक्कत नहीं? एक्चुअली अर्ली मॉर्निंग कॉल मेरा HDFC AMC था लेकिन मैंने इग्नोर किया इसलिए क्योंकि कल हमने डिस्कस कर लिया था, नो पॉइंट रिपीटिंग। HDFC AMC बहुत ही बढ़िया लगता है, 4000 कल हमने टारगेट दिया था वो अचीव हो चुका, अब ट्रेड कर रहा है 4011, अब स्टॉप लगाना चाहिए 3980 ज्यादा नहीं, अब ये हायर जोन पे और देखेंगे क्योंकि मोमेंटम है, 7 दिनों का एक ब्रेकआउट मिला है और ब्रेकअवे गैप है इसमें तो और तेजी है HDFC AMC। बस सर आपने पिक नहीं किया वो मानस का फायदा हो गया क्योंकि सुबह मानस ने पिक कर लिया था उसको और मानस का टारगेट हिट हुआ अभी अभी, और ये देखिए मानस आपका टारगेट हिट हुआ तो आप भी गावा सर को थैंक्स कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने नहीं पिक किया तो आपको मौका मिल गया था पिक करने का, लेकिन अब क्या करें यहाँ पर
तो देखिए ट्रेंड तो अभी बहुत पॉजिटिव है और मेरा भी समझना है कि शायद अभी 4100 4120 की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि जो टारगेट्स थे ऑप्शन में भी और कैश में भी वो अचीव हो गए हैं, तो अगर आप पोजीशन को होल्ड करना चाहते हैं तो आप स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 3940 कर लें और अब जो नया टारगेट होगा वो 4120 का होगा। अच्छा एक बार जरा आईटी इंडेक्स लेकर आइए फिर से, निफ्टी आईटी सुबह मजबूत खुला था और अब देखिए मूव इसमें कंटिन्यू कर रहा है 38,000 के करीब। इस इंडेक्स का 52 वीक हाई लो प्लेट दिखाइए एक बार जरा, इंडेक्स का निफ्टी आईटी का ऑल टाइम हाई तो मेरे ख्याल से 39,000 के करीब है, लेकिन 52 वीक हाई मेरे ख्याल से हाँ ये था करीब करीब 19 फेब को, उसके बाद वो करेक्शन हुई थी 20 डेमा वाली और फिर वहाँ से मूव आया था। आशीष भैती जी कोई मिड कैप आईटी में कोई स्टॉक पसंद आ रहा है इस समय? जी बिरला सॉफ्ट काफी अच्छा लग रहा है, कल अच्छी गिरावट के बाद आज हमें लग रहा है कि इसमें मोमेंटम ऊपर की तरफ बन रहा है, तो थोड़ा सा कल ओवरसोल्ड हो गया था क्योंकि कल जो गिरावट आई थी वो ऑलमोस्ट 3.5-4% की गिरावट थी और हमें लग रहा है कि अच्छा स्पॉट वापस बन गया है जहाँ से खरीदारी रिज्यूम हो सकती है, तो खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस लगाना है इसमें कल का डे लो 770 के करीब का, स्विंग लो थोड़ा सा नीचे 770 का स्टॉप लॉस लगाना और 810 के फर्स्ट टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। ओके चलिए अब ऐसे कुछ स्टॉक्स को देखते हैं जहां कुछ कूलिंग ऑफ हो गई थी और कूलिंग ऑफ के बाद चांसेस ऑफ आई थिंक रिवर्सल हैं। मैं थोड़ा पीएसयूज में जाऊंगा, शिवांगी एक बार जरा देखिएगा पीएनबी को, आई मीन रिक्वायर्ड कूलिंग ऑफ हुई लास्ट आई थिंक 13 फेब को, यही हुआ था, आई मीन कूलिंग ऑफ हुई 3-4 दिन की 10 डेमा के आसपास बेस बनाया फिर वहाँ से शूटअप कर गया, आज सुबह ओपनिंग स्ट्रांग हुई थी अभी 125.15 पे। अभी आपका पीएनबी पे व्यू और अगर ये 10 डेमा की ट्रेजेक्ट्री को आई मीन 126 को रीगेन करके चलना शुरू करे तो क्या व्यू है आपका पीएनबी पर? जी बिल्कुल वीरो जी, अगर हम पीएनबी की बात करें तो मुझे ये पूरे स्पेस में यू नो सबसे स्टेबल काउंटर लगता है। इनफैक्ट कैन बैंक का भी एक सिमिलर स्ट्रक्चर है, दोनों ही स्टॉक्स काफ़ी शानदार रूप से प्लेस्ड है। पीएनबी स्पेसिफिकली हम देख रहे हैं कि एक अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेजेक्ट्री में है लॉन्गर टाइम फ्रेम में एंड काफ़ी अच्छी तरह से इसने अपने सपोर्ट जोन्स को हायर बेस की तरफ शिफ्ट किया है। मेरी राय रहेगी कि ये दोनों ही स्टॉक्स काफ़ी अच्छे हैं, कोई भी छोटे डिक्लाइंस में खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। फिलहाल जो है मोमेंटम साइडवेज है बट सपोर्ट बेस बाइंग काफ़ी स्ट्रांग है, यहाँ 130 के टारगेट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इमीडिएटली, 122 के एक सपोर्ट को ध्यान रखें। जम यहाँ पे ग्लोबल लेवल से थोड़ी सी बैंक नज़र आ रही थी तो मैं इसलिए ये प्रश्न कर रहा था आपसे। और स्पॉटलाइट में आज जिन जिन स्टॉक्स का उल्लेख किया गया था, लेट्स ब्रिंग LIC हाउसिंग फाइनेंस, आज अभी भी देखिए हायर लेवल्स पे सस्टेन कर रहा है एज ऑफ नाउ करीब 600 पैकेट ट्रेड करता हुआ, और क्या मूव अच्छा स्विंग जनरेट कर रहा है। एक बार आप बजाज फाइनेंस को लेके आइएगा, यहाँ पे इसके कुछ ऑप्शन मेरे स्क्रीन पे बार बार अपीयर होते हुए 6608 डेलो की ट्रेजेक्ट्री मार्केट ट्रेड करता हुआ, 2 दिन के अप स्विंग के बाद आज थोड़ा सिंक होता हुआ एंड सेम इज़ द केस विद बजाज फिनसर्व। ये अभी ठीक ठाक ओपन हुआ था लेकिन बहुत कोई करिश्मा नहीं दिखा पाया, बट आज इसने सुबह सुबह जो ट्रेजेक्ट्री छुई वो उसका ऐसा जोन था जिसमें एक मतलब सारे एवरेज के ऊपर था, और क्या आई थिंक इसमें मूव अच्छा दे रहा है। IEX जिसको हमने कल मार्क किया था अबव ऑल मूविंग एवरेजेस, मानस कल हमने बातचीत की थी इस पर, आई मीन 146.80 के आसपास, इट्स 149 जो कल्पना हम कल कर रहे थे कि सारे एवरेज के ऊपर अच्छा मूव देगा। मानस किसकी नेक्स्ट मंथ की कोई कॉल आपके जहन में आ रही है इस वक्त पकड़ने के लिए? बिल्कुल देखिए ये तो बढ़िया पैटर्न बन रहा है क्योंकि कंसोलिडेशन के बाद का ब्रेकआउट, आई थिंक राजेश जी ने भी इस पर रिकमेंडेशन दिया है तो उनके जो टारगेट्स हैं बिल्कुल मैं सहमत उससे, 155 रुपए तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। अगर नेक्स्ट मंथ के कॉल ऑप्शन की बात करें तो आई थिंक 150 वाला कॉल ऑप्शन मार्च मंथ का जो 8 रुपए में ट्रेड हो रहा है वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं, 6.5 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और 11-12 रुपए तक के टारगेट इस ऑप्शन में भी आपको देखने को मिल सकते हैं। TCS डिस्कस करते हैं एक बार, एक पर काम करते हैं एक बार TCS वर्सेस इन्फोसिस देखते हैं, ये TCS का चार्ट है और यही चार्ट आप इन्फोसिस का रख दीजिए, एक महीने का मूव देखिए आप और स्क्रीन पे दिख रहा है पिछले कई दिनों से कि TCS में हर डिक्लाइन पे बाइंग आ रही है और इन्फोसिस में हर रैली पे सेलिंग आ रही है, कोलैप्स इन्फोसिस भी नहीं हो रहा है लेकिन TCS वर्सेस इन्फोसिस अगर आप एक महीने का चार्ट देखेंगे तो करीब करीब 6-7% की एक आउट परफॉर्मेंस यहाँ पर क्लियरली बन रही है TCS की वर्सेस इन्फोसिस, और ये काफ़ी समय के बाद हो रहा है कि TCS में एक मोमेंटम वापस आ रहा है और TCS लाइफ टाइम हाई के भी काफ़ी करीब है, इन्फोसिस दूर है अभी भी यहाँ पर। गाबा सर
ये कुछ पे ट्रेड चल रही है मार्केट में, समय लग रहा है पॉसिबल है क्योंकि टीसीएस में एक अप तेजी है यहाँ पर बिल्कुल, और यहाँ पर एक अप मूव मिलना चाहिए 4000 का, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है 4200, लेकिन हम इंफोसिस को देखें तो साइडवेज मूव है, आई थिंक इग्नोर करना चाहिए, टीसीएस पे पेरेट बनता होगा लेकिन यस टीसीएस लेना चाहिए, लेना चाहिए। आज का स्टॉक ऑफ द मॉर्निंग क्लियरली HDFC AMC है, 4% ऊपर और उसको एकदम स्ट्रॉन्ग कंपटीशन मिल रहा है हैवेल्स से। हैवेल्स में वो जो ब्रोकरेज रिपोर्ट आई उसकी वजह से 4% का मूव आज यहाँ पर हैवेल्स में आया, तो ये एक क्लियरली आज के दो स्टॉक्स ऑफ द डे अब तक। आज एच का दिन है, काफ़ी स्टॉक्स चल रहे हैं यहाँ से, हिंडालको, HDFC लाइफ, HCL टेक, यहाँ पर भी थोड़े से अच्छे मोमेंटम इस समय आपको दिखाई देंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ये भी इस समय डे हाई पर आया। शिवांगी, आपने काफ़ी ट्रैक किया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को, कोई फ्रेश व्यू बन रहा है स्टॉक पर? जी, ये स्टॉक जो है हम देख रहे हैं कि यू नो पिछले 8 हफ्तों से कंटिन्यूसली एक रेंज में काम किया है इसने, इसका एक सपोर्ट है 2820 के आसपास, और इसका एक जो अपसाइड है 3130 को इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है, बट ओवरऑल इस रेंज में ही काम कर रहा है, एंड ब्रॉडर स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो यू नो फिलहाल पॉजिटिव है, एंड स्टॉक अपने की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी काफ़ी अच्छी तरह से होल्ड कर रहा है डेली फ्रेम में। ऑफकोर्स यहाँ पे एक बाइंग इंटरेस्ट 3 दिनों से अच्छी यहाँ पे देखने को मिल रही है, तो स्विंग ट्रेड के लिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इमीडिएट बेसिस पे 3150 के लेवल्स और 3000 के एक सपोर्ट को हम ध्यान रखें। HCL अच्छा मूव देता हुआ डे हाई के जोन में 3056 पे ट्रेड कर रहा है, और ये मूव जो है ना वो आई थिंक पूरे सेक्टर में है, और ये ट्रेड हमने पिक किया था BEL आई मीन दो रोज पहले, बहुत स्ट्रॉन्ग मूव देखे गया था, मेरे ख्याल से मैंने पिक किया था 199.50 पे, और अब 208.10 पे आ गया, और मेरे स्क्रीन पे इस वक्त BEL के सारे कॉल्स डी हाई पे ट्रेड करते हुए। टाटा साहब, इसका एक बार रोल ओवर पोस्ट करिएगा स्क्रीन पे प्लीज़, BEL का रोल ओवर पोस्ट कीजिएगा, और ये जो राइज था ना, मतलब ये पिछले 10 दिन क्या गया 15 फेब से लेके अब तक का सबसे एग्रेसिव मूव था इसके करियर का, 50% रोलओवर्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो ये कितने स्ट्रॉन्ग स्टैट्स हैं ये आप समझ सकते हैं। खैर, इस बीच एक कॉल है राजेश सतपुते जी के पास, पहले उसको लेते हैं फिर बात करेंगे BEL पे। राजेश जी, आपका कॉल। वीरेंद्र जी देखिए, जैसे कि नजर थी MCX पे, और MCX का अगर आप चार्ट देखें तो ये 3700 को सरपास करके यहाँ पे मुझे लगता है थर्स्ट जनरेट हो रहा है, तो MCX बाय करें। स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना है, स्विंग ट्रेडिंग का टारगेट होगा इसका 3800 का इनिशियली, लेकिन चार्ट देख के लगता है प्रोबेबली ये 3850 तक जाएगा, तो 3850 का टारगेट लेके काम करे। स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना है वो रहेगा 3685 का, सो इट्स अ बाय इन MCX। MCX 3443 पे ट्रेड करता हुआ, 3743 पे ट्रेड करता हुआ डी हाई पर, MCX में मूव अच्छा आ रहा है, नो डाउट अबाउट दैट। और कमिंग बैक टू दैट BEL, आपकी राय आशीष बहती जी, 208 उस दिन भी मैंने ट्रेड आपसे ही लिया था BEL पे, अभी आपका व्यू, आई मीन जो ये जोन काट रहा है 210 की मार्च की कॉल ऑप्शन पे आपका व्यू क्या है इस वक्त? भी उस पे ही थी, इनफैक्ट जिस हिसाब से 200 पे कॉल राइटर्स है मार्च के इसमें भी, और वो जिस हिसाब से ट्रैप हो रखे हैं, हमें लग रहा है यहाँ से एक बहुत बड़ा मूव देखने मिल सकता है, क्योंकि उनके पोजीशन क्लोज करने से ही एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है, और 220 तक कोई खास मेजर रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा दिखने मिल रहा है, तो 210 की जो कॉल है उस पर खरीदारी की सलाह रहेगी, 9.25 रुपए के करीब ये चल रही है, इसमें पोजिशन बनाई जा सकती है। इसमें जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 7 रुपए का कैसे मेंटेन करना है, मुझे लगता है इसमें 14 रुपए का टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की जा सके, जिनके पास भी कैश में पोजीशन है होल्ड रखे, आई थिंक 218 तक के लेवल्स इसमें जल्द देखने मिल सकते हैं, तो होल्ड करें, जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना हो 203 का एक एसएल मेंटेन करें। जैम BEL, और मैं इनफैक्ट देख रहा हूं कि पूरे सेक्टर में मूव अच्छा रहा है, अनुज ने ये जो आई थिंक HCL को पिक किया ना, बहुत टाइमली पिक किया, रखिएगा एक एक करके चार्ट, HCL एट डे हाई, BEL एट डे हाई, आप रखिए BEML, और मैं बता रहा हूँ BEML एग्जैक्टली 20-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को अभी अभी काटता हुआ 3132 पे, एक टेक्निकल चेक लेता हूँ बस यहाँ पर राजेश जी, 3132 लास्ट ड्यू एवरेज 20-डे में, एक बड़ा सिंक के बाद अब 20-डे में काटता हुआ 3140, अगर ये प्राइस काटा तो क्या भाव आएगा स्क्रीन पर? वीरेन जी देखिए, मेरे हिसाब से इसका टारगेट कम से कम 3200 होगा, 3200 से लेकर 3220 का पहला टारगेट, अगर हम सही ठहरे थोड़ा पोजिशनली 3400 प्लस तक का टारगेट आ सकता है, और आपने बिल्कुल सही कहा
3150 के आसपास एक माइल्ड हर्डल है, वो निकल जाएगा तो स्विंग मिलेगा। लेकिन वीरेन जी और एक चीज है, आर्ली चार्ट अगर आप देखते हो तो यहाँ पे क्लियरली प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट मिलता है, तो प्रोबेबिलिटी कहती है कि 3150 का लेवल निकल जाएगा और ये अपने टारगेट की तरफ जाएगा। तो अगर आपको इस स्विंग ट्रेड को प्ले करना है तो आपका स्टॉप लॉस जो रखना पड़ेगा आपको पड़ेगा 3090 का। 3090 का यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा। मूव अच्छा रहा, पूरे सेक्टर में मूव काफी अच्छा खासा रहा, बट बहरहाल अगर आप मार्केट को देखें तो बिल्कुल ठंडा, आई मीन 22127। अनुज, ये एक बड़ी ही ज्यादा एग्रेसिव चली हुई, आई मीन सब कुछ दिया इस सीरीज ने, ये उसकी थकान है स्क्रीन पे? हाँ, पॉसिबल है, लेकिन मैं एक चीज़ नॉर्मली नोटिस करता हूँ कि मार्केट में जब सीरीज का लो फर्स्ट डे पे होता है और वो उसको प्रोटेक्ट करता है तो नॉर्मली एक दो बार आपको भले ही थका दे वो, लेकिन सीरीज हाईस पे बंद होती है और नॉर्मली वेंसडे ट्रेंडिंग डे होता है, तो हो सकता है कल आपको एक ट्रेंडिंग डे मिल जाए। वीरू, पॉसिबल है कि कल मार्केट थोड़ा सा कुछ लोगों को बाहर करके, कुछ लोगों को थोड़ा थका के कल वो एक ट्रेंडिंग मूव दे दे, ये पॉसिबल है। लेकिन वही है कि थोड़ा सा आज तो आपको मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना एक साइडवेज ही रहे, दोनों साइड की अपॉर्चुनिटीज स्पॉट करें और स्टॉक स्पेसिफिक रहें तो मेरे ख्याल से बेटर रहेगा। निफ्टी पर अगर आप कोई ट्रेड ले रहे हैं तो वो जो हमने रेंज मेंशन की थी ना, उस रेंज को ही आपको ट्रेड करना है, एटलीस्ट आज के लिए तो वही रेंज ठीक रहेगी। बिल्कुल, गतिविधियाँ बहुत नहीं हैं और बहुत अगर आप देखें थिन रेंज मार्केट ट्रेड करता हुआ। मैंने कुछ देर पहले PNB का जिक्र किया था, उसमें छोटा सा पुल बैक आया, निफ्टी बैंक करीब करीब 46572 पे, निफ्टी बैंक एज ऑफ नाउ 10 डे मार्केट ट्रैजेक्टरी को आई मीन एटलीस्ट अपने साथ सिक्योर कर रहा है। कोई बड़ा अगर आप देखें यहाँ पर मतलब फॉल नहीं है, 10 डे मार्केट ट्रैजेक्टरी 46500 की ट्रैजेक्टरी को मेनटेन करता हुआ। एक बार आप रखिएगा स्क्रीन पर, अब LNT मतलब लास्ट दो सेशन का सबसे एग्रेसिव स्टॉक रहा ये, नाउ इज 3485। कल हमने थोड़ी सी डेल्टा लिफ्टिंग की थी यहाँ पे, 3400 की कॉल स्कर ऑफ करके हमने 3500 की कॉल पकड़ी थी मार्च की, डायरेक्टर साहब वो स्क्रीन पर रखिएगा कॉल, 92 पे वो कॉल ली गई थी एट द मनी, अब वो हो गई है लगभग। राजेश जी से मैंने प्रश्न पूछा था, राजेश जी क्या इसको भी ड्रिफ्ट करने का टाइम आ गया 3500 को भी? या देखिए, कल हमने वो कॉल 91 के आसपास, 3500 की कॉल मार्च सीरीज की 91 के आसपास ली थी, वो इंट्राडे अगर आप देखें तो इसका कल का हाई करीबन 114-115 का, तो कल भी अच्छी चली और मुझे आज भी लगता है कि कल हमने इसका एक पहला टारगेट रखा था 120-125, मुझे लगता है ये टारगेट आ जाना चाहिए, 120-125 पहला पड़ाव रहेगा और 140 दूसरा, तो अगर किसी ने ली है तो डेफिनेटली बने रहे। जो स्टॉप लॉस होगा वीरेन जी वो रहेगा 90 का, 90। बिल्कुल, तो ये कॉल अच्छी ग्रिप में है। अब LNT डे हाई,